में सबसे पहले बात गुर्जर आंदोलन की, जिसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। और आपको बताएं, मंत्री अशोक चांदना हिंडौन पहुंचे हैं, कहा कर्नल बैंसला से मेरी बात हुई, उनकी तबियत है नासाज, मिलना मुश्किल, लेकिन विजय बैंसला से मुलाकात करूंगा। कल विधानसभा में है महत्वपूर्ण बिल, इसलिए वापस लौटना है जरूरी। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कर्नल बैंसला समाज के नेता, उन्हीं का नेतृत्व है, सभी को स्वीकार। जो फैसला 14 बिंदुओं पर हुआ है उससे अच्छा कोई फैसला नहीं हो सकता। सभी से शांति रखने की अपील करता हूं। तो मंत्री अशोक चांदना पहुंचे हिंडौन और महत्वपूर्ण बातें कही, गुर्जर नेताओं के साथ करेंगे वार्ता। कर्नल बैंसला से मेरी बात हुई, अशोक चांदना ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी तबियत है नासाज, मिलना मुश्किल, लेकिन विजय बैंसला से मुलाकात करूंगा। ये बातें अशोक चांदना ने कही हैं और मंत्री अशोक चांदना पहुंचे हैं हिंडौन। गुर्जर नेताओं के साथ वार्ता होगी और क्या ये वार्ता सहमति में बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुलाकात का दौर तो पहले भी हुआ था 41 सदस्य टीम से, लेकिन उसके बावजूद यह आंदोलन इस रूप पर पहुंच गया कि कई चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और अब मंत्री अशोक चांदना हिंडौन पहुंचे हैं, गुर्जर नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला से मेरी बात हुई, उनकी तबियत नासाज है, उनसे मिलना मुश्किल है, लेकिन विजय बैंसला से मुलाकात करूंगा। ये बात कही है अशोक चांदना ने, लेकिन क्या विजय बैंसला मुलाकात करेंगे? क्योंकि विजय बैंसला ने तो ये कहा कि कल 11 बजे अब बात होगी समाज के जाजम पर। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन लगातार हो रहा है जगह जगह पर, रेलवे ट्रैक किस तरीके से कब्जा किया गया, किस तरह से ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई, ऐसे में अब आज क्या कुछ होता है, क्या बातचीत से मसला सुलझ जाएगा। और जब फर्स्ट इंडिया न्यूज से अशोक चांदना ने बात की तो उन्होंने कहा था कि जो 14 बिंदु है उससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता समझौते के लिए। तो क्या वो बेहतर बिंदु विजय बैंसला को समझा पाएंगे? क्योंकि आप समझिए, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे प्रकरण में है वो विजय बैंसला की है। खुद जो किरोड़ी सिंह बैंसला है वो भी कह चुके हैं कि विजय बैंसला ही तमाम चीजें देख रहे हैं, वही पेपर्स भी देखेंगे, जब एसडीओ की भी बात हुई थी। तो ऐसे में जो तमाम चीजें हैं वो विजय बैंसला के साथ काफी महत्वपूर्ण होगी, हर चर्चा हर बात, और अशोक चांदना से क्या बात होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। मंत्री अशोक चांदना, इंतजार था उनके इंडौन पहुंचने का, वो पहुंच चुके हैं, गुर्जर नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। और क्या ये वार्ता कुछ सुलह में बदलेगी या फिर जो तमाम चीजें हो रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। क्या अपनी वार्ता से, क्या अपनी बातचीत से, क्या अपने आश्वासन से इस आंदोलन को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ने भी लगातार नजर बना रखी है, मुख्यमंत्री की लगातार, चाहे लाठर साहब हो या फिर अशोक चांदना हो, लगातार सबसे बातचीत हो रही है, जानकारी तमाम मसलों पर ले रहे हैं खुद मुख्यमंत्री, और लगातार जो अशोक चांदना है या डॉक्टर रघु शर्मा है, लगातार जो दोनों है वो प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं इस पूरे मसले पर। कोशिश ये हो रही है कि जो तमाम स्थिति है उसको कंट्रोल में कर लिया जाए, लेकिन एक तरफ सहमति के द्वार, दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी अलर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता हुआ जरूर नजर आया इस पूरे मामले पर। क्योंकि आप देखिए, जिस तरीके की स्थिति लगातार बनी वो कहीं से भी सही तो नहीं थी। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात कही गई थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं से भी शांतिपूर्ण थी नहीं। और अशोक चांदना ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कल आपसी सहमति हुई है, ये कोई आधे घंटे एक घंटे की कोई बात नहीं है, 9 घंटे तक एक एक पॉइंट के ऊपर पूरी खुली चर्चा हुई है। कितने कोर्टों के आदेश हैं, कितने कानून बने हुए हैं, कितने रूल्स बने हुए हैं, उन सब को देखते हुए एक भी कानून को तोड़ा नहीं गया। और किस प्रकार से ज़्यादा फायदा मिल सकता है उसका रास्ता निकाला है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई समझौता नहीं। तो आप यहाँ वहाँ से जब रवाना हुए तो सीएम साहब से आपकी बात जरूर हुई होगी वहाँ से? देखिए, मेरी कहाँ कहाँ क्या क्या बात हुई वो तो मैं सारी बात आपको नहीं बता। सर, सब कुछ बिल्कुल आप कह रहे हो, सब पॉइंट्स पे चर्चा हो गई, तो फिर सियासी रोटियां सेकी जा रही है क्या, किसी को आगे बढ़ाने के लिए? वो ये क्षेत्र के लोगों का सोचना मानना है और वो ही फैसला करेंगे, ये चीज़ तो मैं क्यों बोलूँगा। मैं तो सरकार का एक प्रतिनिधि हूँ, मेरा इस चीज़ से, मैं इस समय सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यदि ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन या गुर्जर समाज की कोई बात है
तो समाज का होने के नाते मैं दोनों पक्ष की तरफ से हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए मैं खुला, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं कहीं जाने की। मैं इस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सबके अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोचने का तरीका है। वो तो आंकलन लोग करेंगे, वो कुछ भी कहने का सर, आप उनको समझाएंगे वायलेंस नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि कभी भी वायलेंस कोई चीज़ का रास्ता होता नहीं है। युवाओं के ऊपर केस लग जाते हैं, 10-10, 20-20 साल तक डोलते रहते हैं, नौकरियों में उनका नंबर आने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से किसी भी चीज़ का आज तक लोकतंत्र बनने के बाद में अगर वायलेंस से कोई सोल्यूशन हुआ हो तो मुझे बता दें, और मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा। कर्नल साहब बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, पहले के पुराने जो बड़े बड़े हादसे हुए उससे मुझे लगता है कि कर्नल साहब इस प्रकार की कोई भी चीज़ होने नहीं देंगे, और उनके ऊपर लोगों का विश्वास है, यही विश्वास है कि वो सही करेंगे, इसलिए लोग जाते हैं। बाकी अगर ऐसे इस प्रकार के हादसे होने लगेंगे तो कौन जाएगा फिर? क्या इस बार लगता है कि कर्नल की बजाय बेटा जो है वो लीड कर रहे हैं? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मुझे कर्नल साहब ने बुलाया है, मैं कर्नल साहब के निवेदन पर आया हूँ, मैं उन्हें बहुत वरिष्ठ मानता हूँ, पिता तुल्य मानता हूँ, इसलिए एक मिनट भी बिना वेस्ट किए मैं सीधा आया हूँ। और इस आंदोलन के अभी जो आज की महापंचायत है उसके तो नेता कर्नल साहब ही हैं, और तो बाकी तो मैं इससे ज़्यादा। एक बात सर और आती रही कि भाई ये सहमति पत्र की जगह ऑर्डर ही दे देते हैं हमको, काहे का ऑर्डर? कि जैसे 1252 वाले उनका कि ऐसा करेंगे तो एक ऑर्डर निकाल के ले आते हैं। ऑर्डर हो गया ना, सहमति होगी तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर तो हो गया, और क्या होता है? सरकार ने लिख के दे दिया कि परमानेंट पे स्केल मिलेगा तो ऑर्डर, ये ऑर्डर है सरकार का, और अलग से कागज क्या होता है? इसके ऊपर भी सरकार के मंत्रियों के अधिकारियों के सिग्नेचर है। ACS फाइनेंस वहाँ थे, ACS होम वहाँ थे, फिर सरकार किसको कहते हैं? अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको अधिकृत किया है सरकार की तरफ से, तो उन्होंने अपनी जो है विश्वास इस कमेटी के अंदर जताया, तो कमेटी ने फैसला कर दिया, वो ऑर्डर है, इससे बड़ा कोई ऑर्डर नहीं। एक छोटी सी बात सर, जब आज बयान STM गए और कर्नल साहब को परिपत्र वो सहमति पत्र दिया, तो कर्नल साहब ने कहा नहीं आप विजय को दीजिए, और जब विजय के पास गए तो विजय ने 14 के 14 बिंदुओं पर कहा एक एक पे कि नहीं ये मुझे स्वीकार नहीं। ना तो ये मेरे सामने हुआ, और विजय जी से आज दिन में मेरी 4-5 बार से तो कम से कम बात हुई है, ना उन्होंने ऐसी कोई बात मुझे कही। ये बैकलॉग को लेकर के जो कुछ सब का सब उस आदेश के अंदर है, आप ढंग से पढ़ें और उसका आकलन करें, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब आप विजय बैसला को समझा पाएंगे ऐसा लगता है? फिर आप वही बात, आप घुमा के विजय बैसला को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप सारे घुमा के विजय बैसला को टारगेट कर रहे हो, लेकिन मेरा ये कहना है आंदोलन के नेता कर्नल साहब है, उनका ही लोगों को स्वीकार है। कल बहुत अच्छी एक पहल 80 गांवों के पटेलों ने करी, क्योंकि सारे कॉन्सिक्वेंसेज उनको झेलने होते हैं, सारी तैयारियां उनको करनी होती है, उसके बाद में उन्हीं के बच्चे हैं जो पटरियों पर जाते थे और उनके ऊपर ही सारे केस लगते थे, उन्होंने 80, और उसके बाद में कर्नल साहब का भी स्टेटमेंट आया कि 80 गांवों के लोग जो फैसला कर देंगे हमें मंजूर है, तो करके आ गए और इतना अच्छा फैसला करके आए। इतिहास में इतना अच्छा, आज से पहले कितनी भी वार्ताएं हुई, ये 14 पॉइंट से अच्छा कोई भी फैसला आज तक नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे तो आमने सामने चीजों पर।